नमस्कार, आज तक एआई के स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। वेस्टइंडीज में 3 मैचों की सीरीज के दूसरे वनडे में भारत की हार के बाद कोच राहुल द्रविड़ ने भारतीय खेमे में लगातार चल रहे प्रयोगों की वजह बताई है। बता दें कि 29 जुलाई को बारबाडोस में वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में भारत की 6 विकेट से हार बीते 4 साल में ऐसी पहली हार है जो वेस्टइंडीज से मिली। भारतीय टीम को ये शिकस्त बैटिंग लाइनअप के धराशायी होने की वजह से मिली। टीम के एक मौके पर 90 रन पर 0 विकेट थे, लेकिन वो 181 पर ऑल आउट हो गई। रोहित शर्मा और विराट कोहली मैच से बाहर रहे। हार्दिक पंड्या ने भारत का नेतृत्व किया। संजू सैमसन ने नंबर 3 पर और अक्षर पटेल ने नंबर 4 पर बल्लेबाजी की। इसके बाद पंड्या और सूर्य कुमार यादव 5वें और 6ठे नंबर पर उतरे। पहले वनडे में भी भारत ने अपने सामान्य बल्लेबाजी क्रम का पालन नहीं किया था। रोहित नंबर 7 पर आए थे और कोहली ने 5 विकेट गिरने के बावजूद भी बल्लेबाजी नहीं की थी। इन सब के बाद टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ ने बताया है कि वनडे विश्व कप शुरू होने से करीब 2 महीने पहले ही भारत इतने बड़े प्रयोग क्यों कर रहा है। उन्होंने कहा कि मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज अभी भी घायल हैं। इसमें श्रेयस अय्यर और केएल राहुल शामिल हैं। ये खिलाड़ी राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी में रिकवर हो रहे हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज में भारत को खिलाड़ियों को आजमाने और उन्हें खेल का समय देने का बेहतरीन और शायद आखिरी अवसर है। दूसरे वनडे के बाद द्रविड़ ने कहा, ईमानदारी से कहूं तो ये हमारे कुछ खिलाड़ियों को आजमाने का आखिरी मौका था। हमारे कुछ खिलाड़ी घायल हैं जो NCA में हैं। एशिया कप शुरू होने में 1 महीना बचा है और हमारे पास समय की कमी है। द्रविड़ ने कहा, हमें उम्मीद है कि कुछ खिलाड़ी एशिया कप और विश्व कप के लिए फिट हो जाएंगे, लेकिन हमें दूसरे खिलाड़ियों को आजमाना होगा और कुछ नए चेहरों को मौके भी देने होंगे। भारत ने वनडे मैचों में सूर्य कुमार पर दांव खेला है, लेकिन वो अभी तक अपनी क्षमता को दिखा नहीं सके हैं और विश्व कप से पहले खुद को साबित करने के लिए उनके पास समय भी नहीं है। द्रविड़ ने बताया कि सूर्य कुमार खुद से सबसे ज्यादा निराश होंगे। सूर्य वास्तव में एक अच्छे खिलाड़ी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। दुर्भाग्य से मुझे लगता है कि वो ये स्वीकार करने वाले पहले व्यक्ति होंगे कि उनके वनडे नंबर शायद उनकी क्षमता के हिसाब से नहीं है। द्रविड़ ने भारत की जोड़ी शुभमन गिल और ईशान किशन के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि शुभमन गिल का वेस्टइंडीज दौरा अच्छा नहीं चल रहा है और वो अभी तक अर्धशतक भी नहीं लगा पाए हैं। हालांकि द्रविड़ ने माना कि गिल अच्छे से खेल जरूर रहे हैं। किशन ने अपनी पिछली 3 पारियों में 3 अर्धशतक बनाए हैं। भारत के मुख्य कोच ने स्वीकार किया कि उन्हें खुशी है कि दोनों हाथ आए मौके भुनाते हैं। सीरीज का तीसरा और अंतिम मैच 1 अगस्त को त्रिनिदाद में। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैंप।